कांग्रेस उपरे प्रधानमंत्री को सख्त प्रहार। कांग्रेस घोषणा पत्र को नहीं महाविवाद। बजरंगबाली को बंदी करने को चाहे कांग्रेस। चित्रदुर्ग रे विरोधी को प्रधानमंत्री को टारगेट। सरगरम कर्नाटक निर्वाचन प्रचार। सोमवार बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने पर मंगलवार घोषणा पत्र जारी करी कांग्रेस। मैनिफेस्टो रे एकाधिक विवादीय प्रसंग रे कर्नाटक वासी को अजब प्रतिश्रुति देई कांग्रेस। चित्रदुर्ग रे कांग्रेस रे घोषणा को तीव्र समालोचना करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। बजरंग कर्मी को ऊपर प्रतिबंधक लगाइबा को घोषणा करी कांग्रेस निज दुर्बल शक्तिर प्रमाण देइतिबा कहिछंती प्रधानमंत्री। प्रथमे जय श्री राम एवं जय बजरंग बाली को नारा कांग्रेस पे महाविपद सृष्टि करितिबार कहिछंती प्रधानमंत्री। बीजेपी विकसित कर्नाटक का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो इन 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब जैसे देखा है। कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है। कांग्रेस केवल आतंकवादी को तुष्टिकरण पर कार्य करने कर्नाटक को दुर्नीतिर गंताघर करने को प्रयास कर देशर जवान किसान को सामर्थ्य उपरे बारंबार प्रश्न उठाई देश को दुर्बल करने वोट बैंक राजनीति करने को चाहूची कांग्रेस। एथिपाई कर्नाटक वासी को सतर्क रहा परामर्श दे प्रधानमंत्री मोदी। चित्रदुर्ग जनसभा रे उभय कांग्रेस और जेडीएस को विरोध रे दुर्नीति प्रसंग रे जोरदार बरसी पीएम मोदी। बीजेपी ने ही किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए रैता विद्या निधि की शुरुआत की है। आदिवासी साथियों के लिए 400 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल भी बीजेपी ने बनाए। कांग्रेस की सरकार ने तो यहां बच्चों की यूनिफॉर्म में ही घोटाला कर दिया था। आदिवासी विकास के लिए कांग्रेस की सरकार का बजट लगभग 25,000 करोड़ रुपया था। बीजेपी ने इसमें 5 गुना वृद्धि करके आदिवासियों के विकास के लगभग 1,25,000 करोड़ रुपये कर दिए हैं। कांग्रेस का कर्नाटका का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। क्या ये सहूलतें हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में दी हैं? क्या वहां पर फ्री बिजली है? हारी हुई बाजी, कुंठित हताश निराश लोग अपने झूठे वादे पूरे करने के नाम पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। मई 10 तारीख रे निर्वाचन हेबा को जाउतिबा बेले कर्नाटक रे हेवी वेट को हाई वोल्टेज प्रचार जारी रहिछ। बीजेपी कर्नाटक इतिहास को बदलाई राज्य क्षमता बजाय रखिबार लक्ष्य रखिछ। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्ट।